एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल एंड मैं हूं रचना शर्मा। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं बहुत सारे टिप्स जो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे हेयर बोन को कंट्रोल करने में, स्पेशली इन रेनी सीजन। इस मॉनसून सीजन में, इस रेनी सीजन में क्यों इतना ज्यादा हेयर फॉल होता है? मैक्सिमम सभी को होता है, मेरे को भी बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ा उसको कंट्रोल करने के लिए। वो सारे टिप्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेनी सीजन में, इस मॉनसून सीजन में हेयर फॉल होता क्यों है। तो इसका सबसे पहला जो और मेन कारण जो है वो है ह्यूमिडिटी। रेनी सीजन में और मॉनसून सीजन में हमारे एनवायरनमेंट में जो ह्यूमिडिटी की परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने के कारण जो हाइड्रोजन कंपोनेंट है उसको हमारे हेयर जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ड्राई हो जाते हैं एंड प्रोन टू ब्रेकेज, और उसकी वजह से हमारा जो है हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है। सेकेंड कारण ये भी हो सकता है कि ह्यूमिडिटी की वजह से कभी ना कभी आप क्या हो जाता है कि आपके कॉन्टेक्ट में रेन वाटर आ जाता है और उसके बाद आप हेयर वॉश नहीं करते हो, जस्ट हेयर ड्राई करते हो। लेकिन रेन वाटर में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस हो सकते हैं जो आपको स्कैल्प इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ हो सकता है और उसके बाद आपको बहुत हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपका स्कैल्प जो है वो ज्यादा सोकी हो गया है, ज्यादा मॉइस्चराइज और वेट रहता है, ये भी एक बड़ा कारण है हेयर फॉल का। उसकी वजह से हेयर रूट्स जो है वो बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं और उससे हेयर्स इजिली निकल जाते हैं। तो ये तीन मेन कारण है आपका जो रेनी सीजन में हेयर फॉल होता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपको करने हैं और कुछ बातें पहले ऐसी बताऊंगी जो आपको नहीं करनी है। तो आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहले स्पेशली इन रेनी सीजन में आपको रेन में नहीं भीगना है। अगर आप बारिश में भीगते हैं तो अपने बालों को प्रोटेक्ट करके रखिए, उनको ड्राई रखिए। लेकिन फिर भी अगर आप पूरे भीग जाते हैं, बाल भीग जाते हैं, तो उसके बाद घर जाकर अपने बालों को क्लीन वाटर के साथ प्लीज क्लीन कीजिएगा। सेकेंड, आपको रेनी सीजन में स्पेशली कोई भी हार्श केमिकल्स यूज नहीं करने हैं, जैसे कि आपको हार्श शैम्पू यूज नहीं करना है, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेनी है। अगर आपका प्लान है स्मूथनिंग या केराटिन कराने का तो उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए ताकि आप विंटर्स में उसको करा पाए, क्योंकि अगर आपने रेनी सीजन में ये ट्रीटमेंट कराई तो आपका हेयरफॉल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तीसरी चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है हीट। अपने बालों को कोई भी हीट एप्लीकेशन अभी मत दीजिए। आप अभी इस टाइम पे आपके बाल बहुत ज्यादा वीक होते हैं, तो अगर आप ऐसे कोई हीट ट्रीटमेंट लेते हैं या स्ट्रेटनिंग करते हैं घर पे ही, तो वो भी बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है आपके बालों के लिए। तो अब वो बातें जो आपको करनी है जिससे आपका हेयर फॉल 99% तक ठीक हो जाएगा, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले टिप, हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों को धोइए। सेकेंड टिप, अपने बालों को हमेशा माइल्ड शैम्पू के साथ ही धोइए, कोई भी हार्श केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल मत कीजिएगा। तीसरा टिप, आपको कंडीशनर इस्तेमाल करना है लेकिन फ्रॉम मिड ऑफ योर हेयर लेंथ, आपको कंडीशनर बिल्कुल भी स्काल्प के कंटेक्ट में नहीं आना चाहिए। फोर्थ टिप, आपको ऑयल मसाज करनी है विद हॉट ऑयल, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कैस्टर या रोजमेरी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कौन अगर इससे भी ज्यादा आपको अच्छा ऑयल चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या आई बटन पे दे दूंगी, वो ऑयल बेस्ट है। उससे आपका हेयर फॉल चाहे कोई भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपके बिल्कुल दूर होने वाली है। तो आपको ऑयल मसाज करनी है, स्पेशली हॉट ऑयल मसाज करनी है बिफोर टेकिंग हेयर वॉश। फिफ्थ पॉइंट जिसका आपको ख्याल रखना है वो है, आपको रेनी सीजन में स्पेशली अपने बाल खुले नहीं छोड़ने हैं। ज्यादातर आपको क्या करना है कि अपने हेयर की ब्रेड बना के रखनी है, ऐसी लूज ब्रेड आप बना सकते हो, इससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है आपका हेयर फॉल कंट्रोल होने में। सिक्स्थ पॉइंट जो आपको करना है वो करना है डाइट पे कंट्रोल। डाइट मतलब आपको डाइट में बहुत ज्यादा प्रोटीन खाना है, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे हेयर फॉल में। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। हम डाइट में 3 बड़े मील लेते हैं और 2 छोटे मील लेते हैं, तो अगर आप 3 बड़े मील में प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में इंक्लूड करोगे आप रिजल्ट्स देखोगे अपने बालों पे, क्योंकि हमारे बालों को भी प्रोटीन चाहिए होता है इनकी मजबूती के लिए। सातवां पॉइंट, अपने शरीर को हाइड्रेट रखो, बहुत ज्यादा पानी पीके। तो दिन में आपको 7 से 8 ग्लास पानी पीने हैं, इससे आपके हेयर्स और जो स्काल्प है उस तक ब्लड सर्कुलेशन भी पहुंचती है और आपके रूट्स भी हाइड्रेटेड रहते हैं, आपके हेयर्स ड्राई नहीं होते।
आठवां पॉइंट, आपको हेयर मास्क लगाना है जो मैं बताऊंगी। यहाँ पे मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी। वो हेयर मास्क बेस्ट है आपके हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, जिसमें मैंने बहुत ही सुपर इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। तो ये थे आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।